नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप देख रहे हो नालिद दर्पण चैनल और इस वीडियो के साथ मैं हूं बीरेन कुमार। दोस्तों आज का जो वीडियो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बिना बैकग्राउंड की फ़ोटो कैसे अपने मोबाइल से एक छोटे से एप्लीकेशन के जरिए एक छोटे से ऐप के जरिए कैसे बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आपको ऐसी फ़ोटो बनाना पड़ता है जिसमें जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो, कोई आप जो है उसे चिपका सकें जहाँ आप चिपकाना चाहें, और जो कि काफ़ी अच्छा होता है। जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है तो आप उसे कहीं भी किसी फ़ोटो में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों बिना बैकग्राउंड की फ़ोटो बनाने के लिए, कोई लोगो बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आप को प्ले स्टोर पर चले जाना और वहां से पिक्स आर्ट करके एक एप्लीकेशन है, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों उसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से टच करके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर जो है दिखा देते हैं आपको, ये एप्लीकेशन है, आप पिक्स आर्ट को देख सकते हैं। इसका प्रयोग बहुत से लोग करते हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और बहुत काम का ये एप्लीकेशन है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि आप बिना बैकग्राउंड की फ़ोटो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों इसमें लॉगिन करने के लिए भी बताया जाएगा, तो आप इसे लॉगिन इसमें एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, तो दोस्तों नीचे आने के बाद आप यहाँ देखेंगे कलर बैकग्राउंड्स करके एक ऑप्शन आप नीचे देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन दिख रहा है जो कलर बैकग्राउंड का, यहाँ पर जो PNG में एक बैकग्राउंड दिख रहा है जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं लगा है, आप इसे देख सकते हैं ध्यान से। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से कुछ खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी बनाइए, कुछ भी आप लिखिए या कुछ भी बनाइए, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आप बनाएंगे उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कैसे कुछ बनाएंगे। आप जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर, जैसे आप यूट्यूब का लोगो बना रहे हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर यूट्यूब का लोगो सबसे पहले बनाकर आपको दिखा देता हूँ। जैसे YouTube का जो लोगो है तो यहाँ आप नीचे देखेंगे बहुत सारे फीचर यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन। तो जैसे यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप टूल्स पर क्लिक करके आप अपने फ़ोटो कट पिट कर सकते हैं, या बहुत सारे यहाँ पर सेटिंग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं या स्टिकर लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, जो ड्रॉ का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको इस ड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कोई लोगो वगैरह बना रहे हैं, तो जैसे मैं यहाँ लोगो बनाना चाहता हूँ यूट्यूब का, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो इस प्रकार का बैकग्राउंड ओपन हो गया। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है कलर जो है यूट्यूब का कलर कुछ इस प्रकार से रहता है, तो इस प्रकार से मैं जो है यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर जो है इस पर फिर क्लिक करता हूँ यहाँ पर। उसके बाद जो है फिल का ऑप्शन जो है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं ड्रैग करता हूँ अपने फिंगर से, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने ड्रैग किया तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर जो है बन गया। तो ये जो है यूट्यूब का लोगो कुछ इसी प्रकार से बनता है। तो मैं चलिए यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। अब जैसे कि यूट्यूब का लोगो बनाना है हमें, तो अब हमें यहाँ पर फिर से मैं इसी ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ ड्रॉ पर, और जैसे मैं इस पर फिर से क्लिक किया तो यहाँ पर अब फिर से जो है यहाँ जो कलर है इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सफ़ेद वाले कलर पर क्लिक करके इसे ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, और उसके बाद यहाँ पर जो है फिर से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ हम चूँकि इस त्रिभुज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ फिल पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो अब यहाँ पर चलिए मैं जैसे यूट्यूब का लोगो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे ड्रैग करके कुछ इस प्रकार से यूट्यूब का जो लोगो है ऐसे कुछ प्रकार से होता है, तो यहाँ पर मैं इसे घुमा देता हूँ। तो ये देखिए, मान लीजिए यूट्यूब का लोगो हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप कुछ लिखना भी चाहते हैं तो आप उसे कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट जो लिखा है आप टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं अपने चैनल का नाम ही यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अपने चैनल का नाम। तो उसके बाद इसे भी आप जो चाहे वो कलर वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसका कलर भी लगा देता हूँ। तो मान लीजिए मैं मेरा एक कलर है, तो मैंने मान लीजिए बिना बैकग्राउंड का फ़ोटो मैंने
तैयार कर दिया। अब इसको हम सेव कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ सेव पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए हमारी गैलरी में सेव हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों आपने जो भी बनाया बिना बैकग्राउंड का फ़ोटो, उसे आप कहाँ लगाएंगे, जैसे कहीं भी किसी भी कोई बैनर वगैरह बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पर भी आप लगाएंगे, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं रहेगा। तो जैसे मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ किसी फ़ोटो में इसे चिपका कर, किसी फ़ोटो में इसे लगा कर, तो चलिए जैसे मैं यहाँ से सबसे पहले कोई एक फ़ोटो चूज कर लेता हूँ। तो जैसे मैं मान लीजिए कोई ये फ़ोटो, मान लीजिए ये फ़ोटो है, इसी में हमें लगाना है, तो यहाँ पर मैं फ़ोटो पर ओके करता हूँ, उसके बाद सेंड पर क्लिक कर देता हूँ, और सेंड पर क्लिक करने के बाद जो पिक्सकार्ट का एप्लीकेशन है उसको उस पर मैं सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस पर वो फ़ोटो जो है यहाँ आ जाता है इस पर, तो ये देखिए फ़ोटो यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो ऐड फ़ोटो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। ऐड फ़ोटो पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए वो वाला जो हमने चिप सेव किया था बिना बैकग्राउंड का फ़ोटो, उसको यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए वो यहाँ पर आ गया है। अब इसे आप यहाँ जहाँ चाहें वहीं चिपका सकते हैं, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो हमने बनाया था वही दिख रहा है। तो आप इसे किसी फ़ोटो में आराम से आसानी से इसे जो है चिपका सकते हैं और काफ़ी अच्छा फ़ोटो अपना बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसे जैसे सेव कर दिया यहीं पर, ये देखिए ये सेव हो गया। अब जो है इस फ़ोटो को भी आप चाहें तो पूरा सेव कर लीजिए। तो ऐसे जो है आप बिना बैकग्राउंड की फ़ोटो बना सकते हैं और उसे कहीं भी लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा।